तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए दिन में। कल हम आ गए थे सैन सेल्वाडोर इनकी एक सिटी से जिसका नाम था सोनसोनाते। तो आज मैं आपको घुमाऊंगा दुनिया की सबसे खतरनाक कही जाने वाली कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे खतरनाक किस लहजे में कह रहा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा कत्ल पर कैपिटा जो हुए थे वो हुए थे एल सेल्वाडोर की कंट्री में। यहाँ पे एक साल में 6,000 से 7,000 कत्ल होते हैं। अभी थोड़ी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, क्योंकि 2019 में जो नए प्रेसिडेंट आए थे उन्होंने काफ़ी सारे रूल्स निकाले कि भाई जिन भी बंदों के शरीर पे टैटू है उनको उठा के जेल में डाल दो, सीधा कार्रवाई बाद में करेंगे कि एक गैंगस्टर है या नहीं है। पहले जिसके भी हाथ पे टैटू दिख रहा है, बॉडी पे कहीं पे भी टैटू दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे गैंग के लोग ना टैटू बनाते हैं अपने हाथ पैरों पे पूरी बॉडी पे, क्योंकि वो गैंग रिप्रेजेंट करते हैं। चलो भाई क्रॉस कर लेते हैं। रुक जाओ गाड़ी कि भाई जिसका जो टैटू होगा, रुक जाओ ये गाड़ी आ रही है, क्योंकि भाई टैटूज रिप्रेजेंट करते हैं कि वो बंदा किस गैंग का मेंबर है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, एक डेढ़ साल के अंदर अंदर ही 60,000 से 70,000 लोगों को पकड़ा और जेल में डाल दिया। मतलब इतनी जेल भी नहीं थी इनके पास, एक एक कमरे में मतलब 50-50 बंदे पड़े हैं। देखो मैं फोटो लगा देता हूँ, सबको जेल में डाल दिया और उनकी कार्रवाई बाद में हुई। इस ट्रैप में कई सारे टूरिस्ट भी फंस गए, जो लैटिन अमेरिका के टूरिस्ट आए थे, मतलब गोरे जो नहीं दिखते थे, जो हमारे जैसे दिखते थे, उनके भी टैटू थे ना, उनको भी उठा के जेल में डाल दिया। और कई टूरिस्ट ने तो कहा भाई हम 4-4 महीने जेल में पड़े रहे, हमारी कार्रवाई बाद में हुई। तो ये कदम थोड़े उठाए गए हैं भाई, कंट्री को साफ करना है, कुछ तो कदम उठाने ही पड़ेंगे। तो ये कदम उठाए जिसमें काफ़ी आम लोग भी पिस गए होंगे इस चीज़ में। तो आज मैं आपको घुमाऊंगा भाई यहाँ का सेंटर, सैन सेल्वाडोर की सिटी कैसी है, क्या डेवलप्ड है, क्या मतलब हालात हैं अभी इस देश के, वो दिखाऊंगा। यहाँ की करेंसी है अमेरिकन डॉलर्स, और ये पहली ऐसी देश है जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ जो कि यूज़ करती है बिटकॉइन भी। जी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, मतलब सब लोग तो नहीं लेंगे, पर इस कंट्री में अगर आप विकिपीडिया भी जाके पढ़ोगे तो यहाँ की करेंसी है यूएस डॉलर प्लस बिटकॉइन। और इनकी करेंसी पहले 2001 में होती थी कोलोन्स करके, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ, मेरे को नोट अपने होटल में लगे हुए दिखे, तो वो देख लो पहले इनकी करेंसी कैसी दिखती थी। भाई ये देखो होटल में ना इनके पुराने वाले नोट लगा रखे इन्होंने, जो यूएस डॉलर से पहले यूज करते थे, ये डीएस कोलोन्स, ये वाले देखो इस पे एल सेल्वाडोर भी लिख रखा है, ये पहले यूज होते थे यूएस डॉलर अडॉप्ट करने से पहले। ग्वाटेमाला के भी हैं कई सारे पुराने, ये सेल्वाडोर के दिखा रहा था मैं आपको, देखो सबसे ऊपर भी वो सेल्वाडोर का नोट है। संडी भाई आपको यहाँ पे आके 2 दिन हो गए, तो आपको कंट्री कैसी लग रही है? मतलब ये मेरे को तो सही लग रही है यार ये कंट्री, मतलब मेरे को तो 1% भी डर नहीं लग रहा। मतलब जब जिस दिन आ रहा था तो लोगों ने डरा रखा था भाई बहुत डेंजरस है, बट अभी रुकने के टैक्सी वाले ने डराया बॉर्डर से आपको, तो वही तो बोल रहा हूँ उस टाइम डर लग रहा था, बट अभी तो लग रहा है नॉर्मल है भाई। भाई देखो KFC, बर्गर किंग, वेंडीज होटल से निकलते इसके अंदर पांडा एक्सप्रेस है भाई, जो अमेरिका में संडी भाई ने एक बार खिलाया था मेरे को, शायद हमने एक ही बार खाया ना आपको, एक ही बार मेरे को काफी अच्छा लगा तो मैंने कहा पांडा एक्सप्रेस ही खाते हैं। भाई यहाँ पे मैकडोनल्ड, KFC, वेंडी, बर्गर किंग, पिज्जा हट, पांडा एक्सप्रेस और पता नहीं डोमिनोज, सारी अमेरिकन चेन्स यहाँ पे हैं। और मेरे को काफी साफ सुथरा लगा भाई ये देश, सच बता रहा हूँ, पिछले 2 दिनों से हम यहाँ पे हैं और मेरे को काफी साफ सुथरा लगा, काफी डेवलपमेंट हो रखी है भाई इनकी, एटलीस्ट कैपिटल सिटी की तो काफी ज्यादा डेवलप्ड हो रखी है। मेरे को काफी ज्यादा डेवलप्ड सिटी लगी है सैन सेल्वाडोर। सफाई देखो भाई आप कितनी है, हाँ आप गंदे एरिया में जाओगे तो हो सकता है कि थोड़ी गंदगी मिल जाए, पर हम अभी मतलब सिटी सेंटर में नहीं है, हमारा होटल थोड़ा बाहर है 3-4 किलोमीटर, और रोडें कितनी साफ हैं, सही बनी हुई हैं, गुंडागर्दी है, पर यार ये डेवलप्ड बहुत ज़्यादा लग रहा है मेरे को देश, पता नहीं इनकी सिर्फ यही सिटी डेवलप है या फिर और भी ऐसी होंगी, पर हाँ मेरे को सही लग रही है। भाई ये देखो क्रॉसिंग के लिए इन्होंने लाइटें लगा रखी हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा है यार मेरा, सच बताऊं मैं ग्वाटेमाला सिटी मेरे को काफ़ी डेवलप्ड लग रही थी, और सैन सेल्वाडोर मेरे को ग्वाटेमाला सिटी से भी ज़्यादा डेवलप्ड लग रही है, और काफ़ी अच्छे इम्प्रेशन है। सिक्योरिटी थ्रेट के अलावा भाई मेरे को और भी कोई कमी नहीं लग रही, सस्ता है देश भाई, यूएस डॉलर यूज़ करते हैं, बहुत सस्ता भी है देश ये, अभी दिखाता हूँ आपको पांडा एक्सप्रेस में खाना खाएंगे तो कितना क्या बिल आता है। लो भाई ये आ गया एक मॉल टाइप, यहाँ पे गार्ड तो भाई आपको हर जगह मिलेंगे, ऐसा नहीं गार्ड नहीं मिला, पहला गार्ड है भाई जो मैंने बिना बंदूक के देखा है, वरना शॉटगन लेके खड़े रहते हैं। अच्छा पूरा फूड कोर्ट ही है भाई, ये आ गए हम पांडा एक्सप्रेस पे, इसका खाना मतलब ये चाइनीज़ खाना है, पर ये अमेरिकन चाइनीज़ सा होता है थोड़ा, मतलब अमेरिकन के हिसाब से थोड़ा चेंज कर देते हैं,
तो वो आप रेट देख सकते हो, $5 तो बाउल लेंगे शायद, देखते हैं जो लेंगे वो बताता हूँ भाई। देखो अगर आपको पांडा एक्सप्रेस का नहीं पता सिस्टम तो मैं आज मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को भी नहीं पता था। तो या तो आप चावल ले सकते हो या फिर आप ये नूडल ले सकते हो, फिर इन तीनों में से सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे सही ये वाला होता है, थोड़ा स्पाइसी होता है। और इसके बाद आप डलवा सकते हो एक टाइप का चिकन, ऑरेंज चिकन बोल रहा है हमने, वो डाल लेंगे। तो भाई इसमें ना दो ऑप्शन आते हैं पांडा एक्सप्रेस में, या तो आप तीन चीज ले लो, तीन एंट्रीज, ये एंट्री है मतलब। देखो वो बोलेंगे या तो राइस ले लो या नूडल ले लो, उसके साथ में हमने दो एंट्री ली है कि भैया एक हमने ये ले लिया, एक ऑरेंज चिकन, एक तीन वाला भी आता है, $2 बढ़ जाता है। अच्छा ठीक है, ये भी देखो कितना खाना है भाई, नहीं खा पाता एक बंदा। $7 की एक प्लेट, अभी चिकन आना बाकी है, वो भी दिखाता हूँ। तो भाई पांडा एक्सप्रेस में ना हमेशा ऐसा आपको ये फ्री में देते हैं, फॉर्चून कुकी कहते हैं इसको, मतलब इसमें आपका कुछ लक निकलेगा, पता नहीं क्या होता है। तो मैंने अपना कुकी तोड़ दिया और अंदर लिखा आया कि अपनी पास्ट की मिस्टेक से सीखो और आगे बढ़ो। ये है भाई ऑरेंज चिकन, ये स्पाइसी होता है, स्वीट होता है, क्या होता है? ये स्वीट होता है, ये स्वीट है भाई। अरे नहीं भाई फेंका भी इसको, कबूतर अटैक कर देंगे मेरे पे। अरे नहीं करेंगे ऐसे। ओ भाई अभी साइड में वीडियो चला रहा हूँ मैं, यहाँ पे काफी कबूतर घूमने लग रहे हैं, और जब साइड वाला बंदा उठ के चला गया उसके प्लेट में थोड़े चावल रह गए थे भाई, 6-7 कबूतरों ने आके अटैक कर दिया उस पर और सारे उसके चावल खा गए। मतलब बंदा तो जा चुका था, तो मैं यही कह रहा है कहीं मेरी टेबल पे आके मेरे पे अटैक कर दे सारे कबूतर, वो देखो घूमने लग रहे। हो रहा गैंगस्टर कबूतर है यहाँ के ये भाई। यहाँ से खा लिया खाना, टैक्सी मंगा ली, यहाँ पे ऊबर चलती है सैन सेल्वाडोर में, और टैक्सी वाला आ गया, यही है शायद जो खड़ा है हुंडा एलेंट्रा वाला, $2 की टैक्सी आई है, सिटी सेंटर चलते हैं। भाई मैंने टैक्सी में ना लोकेशन बैंक की डाल दी थी, क्योंकि ये वाला बैंक है जो $US निकालता है और पैसे बिल्कुल भी नहीं लेता एक्स्ट्रा, और $500 एक बार में निकाल देता है, तो इससे पैसे निकलवा लेते हैं। भाई डेंजरस तो नहीं लग रहा मेरे को, देखना ATM ऐसे खुला है मतलब, पता नहीं, चलो देखते हैं। तो भाई अब मैं आपको थोड़ा एल सल्वाडोर के बारे में बताता हूँ। इस देश को आज़ादी मिली थी स्पेनिश राज से 1821 में, उसके बाद इस पे राज करने लग गए भाई मेक्सिको का किंगडम, तो मेक्सिको का पूरा किंगडम होता होगा, उन्होंने राज किया इस पे शायद 1-2 सालों के लिए किया, फिर उनसे भी आज़ाद हो गए थे 1-2 साल बाद। फिर एक बना सेंट्रल अमेरिका के ग्रुप, मतलब एक पूरा देश बना जिसका नाम था रिपब्लिक ऑफ सेंट्रल अमेरिका। और क्या कैसे ट्रक जा रहे हैं ये, तो रिपब्लिक ऑफ सेंट्रल अमेरिका से इनको आज़ादी मिल गई थी मेक्सिको से आज़ाद होने का 1-2 साल बाद, उससे भी आज़ादी मिल गई थी 1841 में, इसको एज ए देश रिकग्नाइज कर दिया गया। सोचो कितने साल पहले आज़ाद हो गया था भाई एल सल्वाडोर, मतलब 1821 में स्पेनिश से, 1841 में तो पूरा देश ही बन गया था पूरा इंडिपेंडेंट। ठीक है, लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है स्पेनिश, जैसे कि भाई पूरा का पूरा मेक्सिको से नीचे सारा ही स्पेन ने राज किया था, तो सारे देशों को स्पेनिश सिखा के चले गए थे ब्राज़ील के अलावा, तो यहाँ पे स्पेनिश बोलते हैं। भाई देखो ये सिटी सेंटर है और वहाँ पे कितने सारे पुलिस वाले खड़े हुए हैं, इस तरफ भी खड़ा था, वो खड़ा भाई इस टेम्पो के पीछे पुलिस वाला। हम जा रहे हैं एक चर्च है यहाँ पे, वहाँ चलते हैं, वो रहा शायद। तो अभी हाल फिलहाल में ये कंट्री इतनी डेंजरस इसलिए भी बन गई थी क्योंकि यहाँ पे 20 साल की सिविल वॉर चली थी। 20 साल की सिविल वॉर का मतलब होता है कि भाई कंट्री अपने अंदर ही अंदर लड़ रही है। भाई ये पहुँच गए चर्च में, और चर्च तो बहुत ही बड़ा लग रहा है देखना। भाई ये कहीं सिटी सेंटर पहुंच गए, एकदम से तंग गलियों में से निकले, और ये इनका नेशनल पैलेस है, और ये इनका झंडा मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं कह रहा था ना ये सारे देशों के झंडे सेम लगते हैं, होंडुरस का भी ऐसा ही लगता है और निकारागुआ का भी ऐसा ही लगता है, ऐसा तो झंडा है इनका। और ये है भाई चर्च, बहुत ही बड़ा है यार ये चर्च तो, इसके अंदर जाना फ्री है मेरे हिसाब से। सोच रहा हूँ नेशनल पैलेस के भी अंदर चले जाएँ, थोड़ी मतलब एसी की आवाज़ भी खा लेंगे यार, सेंटर की तरह यहाँ पे कबूतर तो हैं ही। और यहाँ देखो बंदों ने क्या कर दिया, एल सल्वाडोर यहाँ लिखा है, फोटो खिंचानी थी खिंचा ही नहीं सकता आप कोई, बैठ गए सारे बंदे ऐसे ही। तो भाई यहाँ तो इतने सारे लोग बैठे हैं, बहुत दिन हो गए थे इतने सारे लोग देखे, इतनी भीड़ देखे बहुत दिन हो गए थे। तो अब मैं आपको बताता हूँ एल सल्वाडोर की जो पॉपुलेशन है वो है सिर्फ और सिर्फ 70 लाख, काफ़ी छोटा सा देश है। 70 लाख लोगों में 84% लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, और जो लोग बचते हैं कई कहते हैं कि हम किसी धर्म को फॉलो नहीं करते, और थोड़े बोड़े लोग कोई और धर्म फॉलो करते हैं।
और भाई दूसरी बात, यहाँ पे जो 85% लोग रहते हैं ना वो मेस्टिजोज हैं। मेस्टिजोज का मतलब क्या होता है कि वाइट लोगों ने यहाँ पे आके गोरों ने स्पेनिश ने राज किया था, तो उन स्पेनिश का और यहाँ के लोकल लोगों के मिक्स को कहते हैं मेस्टिजोज, ठीक है। और जो बचे हुए हैं 12% लोग यहाँ पे वाइट भी रहते हैं, मतलब गोरे जो यहीं पे बस रहने लग गए, इसलिए इन लोगों के लिए आज भी इतनी खतरनाक कंट्री होने के बावजूद पूरा का पूरा यूरोप वीजा फ्री है, क्योंकि यहाँ पे 12% जो लोग हैं ना वो वाइट्स हैं। से बाहर निकल गए और मैं देख रहा था और कहां जा सकते हैं। मैंने कहा वो वाली बिल्डिंग मेरे को पता करनी है, वहां पे ना प्लस लिख रखा है, मतलब वो हॉस्पिटल लग रहा था पर भाई वो लाइब्रेरी है और सब लोग जा सकते हैं और कहते हैं बहुत ही ज्यादा मॉडर्न लाइब्रेरी है, आपको जाके जरूर देखनी चाहिए अगर आप सैन सल्वाडोर में आते हो, देखना कैसी लाइब्रेरी है। चलो आ जाओ जाके देख ही लेते हैं कैसी क्या है। जब तक लाइब्रेरी जा रहे हैं तब तक बात कर लेते हैं भाई यहाँ की जीडीपी की। यहाँ की जीडीपी है भाई, पर कैपिटा में बात करता हूँ मैं हमेशा, वो है $5,500, जैसे इंडिया की $2,500 है, यहाँ की $5,500 है। और परचेजिंग पावर इनकी है लगभग $12,000 परचेजिंग पावर। भाई मैं हर वीडियो में तो आपको समझाऊंगा नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, आप गूगल कर सकते हो या फिर मेरी कोई पुरानी वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने समझाया हो। तो ये दो चीज़ मैं ज़रूर देखता हूँ भाई, किसी भी देश जाता हूँ उससे मेरे को थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कितना क्या महंगा मिलने वाला है देश और क्या क्या रेट होने चाहिए चीज़ों के, जायज़ रेट क्या हो सकते हैं। इसलिए उस दिन जो बॉर्डर पे उस बंदे ने $30 मांगे थे ना बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि यहाँ पे एसी बस चलती है भाई $1-$1.5 में तो 100 किलोमीटर तक। भाई संटी भाई को मैंने नहीं बताया ये चीज़ क्या है और सारा स्पेनिश में या चाइनीज में लिखा है। भाई आपको क्या लग रहा है क्या है ये? प्लस भी नहीं, प्लस नहीं बना रखा, तो आपको क्या लग रहा है क्या है ये? ये मेरे को लग रहा है कि चाइना का कुछ उसने कुछ सामान बिक रहा है तो चाइना का झंडा भी लगा रखा है भाई, तो आपको नहीं पता चल रहा क्या है ये? नहीं, ये लाइब्रेरी है। चलो भाई ये आ गए लाइब्रेरी के अंदर, यहाँ बच्चों का प्लेग्राउंड, बच्चों की बुक्स, ऊपर काफी सारे फ्लोर हैं और मैंने पढ़ा था कि ना इसके टॉप फ्लोर से बहुत अच्छा व्यू मिलता है सिटी का, तो इसलिए भी आ गया मैं। बुक तो मेरे को खैर नहीं पढ़नी थी पर चलो देखते हैं कुछ खास दिखेगा इस लाइब्रेरी में, तो चाइना वालों ने बना रखी है ये, मतलब चाइना के एड से। भाई ये हम आ गए लाइब्रेरी के 6th फ्लोर पे और यहाँ से आप देख सकते हो नज़ारा, इतना तो नहीं दिख रहा पर काफ़ी सही है यहाँ से। भाई देखो पुलिस की गाड़ी कैसी खड़ी है वहाँ पे। लाइब्रेरी से बाहर आ गए और लाइब्रेरी से बाहर आते ये एरिया ऐसा लग रहा है जैसे बंजर सा हो, इस तरफ मस्त लग रहा है सारा। तो यहाँ पे एक और स्क्वायर है वहाँ तक वॉक करके चलते हैं और मौसम भी अब थोड़ा सही हो गया, शाम के 5 बज गए। भाई ये मेरे को लग रहा है वॉकिंग स्ट्रीट टाइप है, यहाँ पे ये पेंट लगा के बैठे हैं, यही था चर्च, इसके पीछे ही एक और मतलब प्लाजा सा है, वहाँ चलते हैं। ये क्या है अब? अरे टैटू की दुकान है भाई, इस देश में मत आ जाना टैटू बनवा के गलती से, भी सीधा जेल में डाल देंगे आपको, आज तो चलने लग रहे हैं। भाई ये देखो यहाँ पे बंदा हवा में झूलने लग रहा है, मैं नीचे से आपको दिखाऊं तो, पर ये ऐसा होता है मैं बताऊं कैसे कि ना ये जो इसके चद्दर है ना इसके नीचे लोहे का वो है और फिर वो लोहा ऊपर तक आता है, फिर इसके नीचे भी लोहा है, मतलब पूरा ऐसे कुर्सी सी बन जाती है, ऐसा लगता है कि हवा में झूल रहा हो। चलो वो देखो कितनी बड़ी पार्किंग, 5-6 मंजिल की तो पार्किंग है। ये एरिया तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, पूरा वॉकिंग एरिया है ना, ये तो लग ही रहा डेंजरस नहीं लग रहा भाई। मैंने जब पैसे डाले ना वो हिल गया, मैं तो डर गया
तो भाई हर देश से मैं अपने देश के लिए सीख लेता हूँ कि भाई हमारा देश कैसे सुधर सकता है, और बताता भी हूँ, क्योंकि भाई परफेक्ट तो है नहीं हमारा देश, कोई भी देश इस पूरी दुनिया में परफेक्ट नहीं है। अमेरिका में गन्स की प्रॉब्लम है, अमेरिका में रेसिज्म की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इन देशों में क्या प्रॉब्लम थी कि भाई यहाँ पे क्राइम की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। पर बात ये होती है, अगर सरकार की नीयत साफ होना तो वो किसी चीज़ को भी सुधार सकती है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता सुधरने में। 2019 में यहाँ पे नए प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने भाई ये मान लो सबको पकड़ के जेल में डाल दिया, और यहाँ पे अब इतना सेफ फील कर रहा हूँ ना, मेरे को तो भाई तो होने को तो कुछ हो सकता है, पर जिस हिसाब से मैंने सुना था ना, यहाँ पे एल सेल्वाडोर के बंदे खुद कहते हैं कि भाई 2019 से पहले ना हमारे देश की हालत बहुत ख़राब थी, हमारा देश बहुत बदनाम था, पर अब खुद अपने मुँह से कहते हैं हाँ भाई 2019 से पहले हमारा देश बदनाम था, पर अब हमारे देश में बहुत ज़्यादा सुधार आ चुके हैं पिछले 5 साल में। तो भाई इस देश से हम ये तो सीख नहीं ले सकते कि भाई कि हमारे देश में इतना क्राइम है ही नहीं, कितना मर्डर वर्डर होते हैं जितना यहाँ पे होते हैं हमारे देश में भी, पर हम सीख क्या ले सकते हैं भाई अपने देश में से? अगर गवर्नमेंट चाहे तो अपने देश में से करप्शन हट सकती है बिल्कुल ही, सरकार अगर चाहे तो, नीयत साफ है तो। क्योंकि भाई मैंने भी इस बार पासपोर्ट बनवाया था, मैंने तो स्टोरी भी डाली थी कि मेरे को ना परेशान कर दिया था भाई, मान लो 3-4 महीने मैंने धक्के खाए थे और कहीं कार्रवाई नहीं होती यार, मैं रिपोर्ट नहीं कर सकता, आरपीओ के हाथ में सब कुछ होता है जो पासपोर्ट ऑफिस का हेड होता है कि वो पासपोर्ट बनाए चाहे ना बनाए, उसकी कोई रिपोर्ट ही नहीं कर सकता। आप कहोगे यहाँ रिपोर्ट कर दो, वहाँ रिपोर्ट कर दो, आपको भी पता है भाई एक बार कोर्ट में भी केस जाएगा तो ये मान लो मेरा जिंदगी निकल जाएगी मेरी, पर मेरा पासपोर्ट नहीं बन के देगा, प्रूफ ही नहीं कर पाऊंगा मैं, ऐसा भी डिक्लेयर कर देंगे मेरे को कि भाई मैं इंडिया का सिटीजन ही नहीं हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम सुधार सकते हैं अपने देश में अगर सरकार की नीयत साफ हो, तो ये मान लो कल से करप्शन मिट सकते हैं अगर सरकार की नीयत साफ हो तो। मैं भाई किसी सरकार के लिए कुछ नहीं कर रहा कि भाई इसको वोट दो उसको वोट दो, पर यार पता नहीं कब आएगी कोई वाली सरकार जिसमें सारी नीयत साफ हो जाएगी। तो भाई पीछे केमिस्ट शॉप थी, वहाँ पे हम घुसे, मैंने आपको जैसे वीडियो में दिखाया बंदों के पास इतनी बड़ी शॉटगन, अब किस दवाइयों की रखवाली के लिए शॉटगन ले घूम रहा है बंदा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सब कुछ खत्म हो गया, हालांकि टाइम लगेगा सब कुछ ठीक होने में। तो भाई ये कमेंट मत करने लगना कि भाई 2014 के बाद अच्छा हो गया, कांग्रेस ने 60 साल लूट लिया, ये हो गया वो हो गया। भाई जिस दिन सुधर जाएगा ना, मतलब जिस दिन करप्शन बंद हो जाएगी, मैं उस दिन खुद तारीफ करूंगा वीडियो में कि हाँ भाई आज तो ऐसा हुआ कि काम फटाफट हो गया और ना मेरे को 1 रुपया देना पड़ा किसी को, ठीक है। और अब आप कहना मत कि आप नहीं देते किसी को रुपया, जितने बंदे देख रहे हैं उसने किसी ना किसी फॉर्म में अपने देश में रिश्वत दी होगी इंडिया में। तो भाई मैं ना इस चीज़ में पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी नहीं घुसूंगा, क्योंकि मैं यार पहले बोल देता था जो सरकार अच्छा काम करती थी ना, जैसे मैं बोल देता था कि कांग्रेस ने अच्छा काम किया तो बीजेपी वाले मेरे को गाली देने लग जाते थे, मैं कह देता बीजेपी ने अच्छा काम किया तो कांग्रेस वाले गाली देने लग जाते थे, मैं कहता था दोनों ने अच्छा काम किया तो आम आदमी वाले गाली देने लग जाते थे। तो भाई मतलब कुछ भी कर लो यार, पॉलिटिक्स में गाली मैं नहीं खाना चाहता इस चीज़ पे तो बिल्कुल ही, क्योंकि पॉलिटिशियन किसी के सगे नहीं होते, ये बात तो आप लिखवा के ले लो। पर मैंने बस एक एग्जांपल दिया है कि अगर कोई सरकार चाहे तो सुधार सकते हैं देश को, मतलब कोई भी टॉपिक हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही टॉपिक है या फिर करप्शन ही टॉपिक है या फिर मतलब यहाँ के मर्डर ही टॉपिक है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, सरकार चाहे तो सुधार सकते हैं। अब ये मत कहने लगना कि ये सरकार अच्छी है वो सरकार, वो सब मेरे को सुनना ही नहीं है भाई, मैंने एक एग्जांपल दिया है बस, ना मैं नेता, ना मेरे को नेता बनना और ना मेरे को नेताओं से हमदर्दी है कोई, क्योंकि सारे नेता आज तक तो भाई सेम ही लग रहे हैं मेरे को। अब मत कहने लगना कि ये नेता अच्छा है वो नेता अच्छा है, पता ही नहीं भाई क्या है, थोड़ा हमारा कानून मतलब चेंजेस चाहिए यार कानून में ना भाई, थोड़े अपने कानून कमज़ोर हैं, थोड़े कानून में हमको चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आज भी अगर पुलिस वाला किसी बंदे को रोकता है तो बंदा डरता है। पर यार मैंने संटी भाई को देखा, वो अमेरिका में कई बार पुलिस वाले ने रोका, वो उल्टा जवाब दे देते हैं पुलिस वालों के मुंह पे, मैं कहता हूँ यार आप ऐसा कैसे दे सकते हो, कहता है नहीं यहाँ पे पुलिस वाले हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम उनको जवाब दे सकते हैं अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं। पर इंडिया में ऐसा नहीं है भाई, आप देखे देख लो पुलिस वाले को उल्टा जवाब, एक बार देखे देख लेना भैया क्या हालत होती है आपकी। तो अपने कानून थोड़े वीक हैं। एक बंदा मैंने देखा यूट्यूब पे आजकल काफ़ी छाया हुआ है अमेरिका में, वो पुलिस स्टेशन में जाके वीडियो वगैरह बना रहा था तो पुलिस वालों ने उनको अरेस्ट कर लिया, वो कहता मैं लीगल काम कर रहा हूँ, पुलिस वाले कहते नहीं तू इलीगल कर रहा है, उसको अरेस्ट कर लिया बंदे को, उसने केस कर दिया पुलिस वालों पे ही और ऊपर से $60,000 जीत गया, वो कई बार ऐसे कर चुका पुलिस वालों के साथ और $1.5 million वो कंपनसेशन में जीत चुका है कि पुलिस वालों ने मेरे को हरास किया है। तो कानून थोड़े सख्त हों तो ये सब सुधर जाएगा, पता नहीं यार कब होएगा। ठीक है यार अब चलो सेल्वाडोर घुमाता हूँ आपको, ये तो मैं हर देश से कुछ ना कुछ सीख लेने की कोशिश करता हूँ अपने देश के लिए, क्योंकि भाई मेरे को तो अपने देश में ही रहना है हमेशा, ना मेरा सपना दूसरा देश मूव करने का, ना मेरे पास दूसरे देश का कोई पासपोर्ट है, अपने देश में ही रहना है, अपने देश में ही घर है भाई मेरा, तो अपने देश को ही सुधारूंगा ना मैं। तो संटी भाई
जो आपका मतलब एल सेल्वाडोर के बारे में आपने सोचा था कि बहुत डेंजरस है ये है वो है, आपको डेंजरस लगा? नहीं यार, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि भाई ये अनसेफ है, काफी ज्यादा सेफ है। जैसा अगर न्यूज वगैरह में बता रहे थे कि भाई यहाँ पे तो जब बंदे जाते हैं उनको किडनैप कर लेते हैं, मार देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये है कि हर जगह पुलिस वगैरह इसलिए ही खड़ी हुई है कि भाई सेफ्टी के लिए, स्पेशली टूरिस्ट लोकेशन में, तो मेरे को सेफ लगा ट्रैवलिंग के लिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि भाई जो इनके नए प्रेसिडेंट आए हैं वही चर्चाओं में थे, उन्होंने सब कुछ सही करा है, तो उनका काम आपको कैसा लग रहा है? भाई मेरे को तो उसका काम जबरदस्त लग रहा है, मतलब की वजह से सब जगह पुलिस वाले हैं और कोई गुंडागर्दी हो नहीं रही, मैंने तो अभी तक देखी नहीं है ना। एक बंदे की नीयत साफ थी, उसने सुधार दिया ना सबको, वही तो नीयत साफ होनी चाहिए भाई, सब चीजें सुधार सकता है बंदा। अभी फिलहाल 3 या 4 महीने पहले एल सेल्वाडोर ने एक रूल निकाला है कि अगर कोई भी इंडियन और मतलब अफ्रीकन, 50-60 देशों का लिस्ट है, उसमें अपने लिए तो मेन इंडिया ही हो गया, ठीक है, अगर आप भाई एयरपोर्ट एल सेल्वाडोर में लैंड कर रहे हो और आपके इंडियन पासपोर्ट है, आप टिकट बुक कराते हो, कल तो मैंने प्रियंका की वेबसाइट पे भी देखा, उन्होंने साफ लिख रखा है कि अगर आप इन कंट्रीज में से हो ना, तो आपने अगर टिकट बुक कर ली है तो या तो कैंसिल करके फुल रिफंड ले लो हमसे, या फिर आपको फ्लाइट बोर्ड करने से पहले $1,000 प्लस 13% टैक्स $1,130 हमको देने पड़ेंगे, क्योंकि वो एल सेल्वाडोर ने लगा दिया है टैक्स इन सब कंट्रीज पे, 60 देशों के लोगों पे, अगर आप एयरपोर्ट से आते हो तो हम आपसे लेंगे $1,130। तो भाई ऐसा एल सेल्वाडोर ने क्यों करा इंडियंस के साथ और 50-60 देशों के साथ? क्योंकि इनके ऊपर आया था अमेरिका से दबाव कि भाई तुमने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री क्यों कर रखा है, मत करो, और कर ही रहे हो तो एल सेल्वाडोर वालों ने कहा दबाव तो आ ही रहा है, इतने सारे डोंकी मार रहे हैं, इंडियंस आ ही रहे, क्योंकि वीज़ा फ्री था, स्पेन से फ्लाइट लेते थे, एल सेल्वाडोर आते थे, कईयों को डिपोर्ट कर देते, कईयों को रखते थे। तो फिर इन्होंने कहा कि पैसा कमाने का अच्छा मौका है, हर पैसेंजर से फ्लाइट टिकट के अलावा $1,130 भाई, अगर मैं फ्लाइट से आता एयरपोर्ट टैक्स लगा रहे $1,130 का, अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, फ्लाइट से मत आ जाना गलती से। अब मैं एक फ़्लाइट लेने से डर भी रहा हूँ कि अगर मेरे को निकारागुआ में एंट्री नहीं थी, तो एक फ़्लाइट चलती है होंडुरस से, पहले वो आती है एल सेल्वाडोर, और एल सेल्वाडोर से जाती है वो अगले वाले देश जहाँ मेरे को जाना है, कोस्टारिका। तो मैंने कहा ये फ़्लाइट भी नहीं ले सकता मैं, क्योंकि फ़्लाइट वालों को मतलब नहीं है मैं ट्रांजिट कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, वो अगर मैं एयरपोर्ट पे आया तो $1,130 देने ही पड़ेंगे। तो अगर आपकी फ़्लाइट गलती से ट्रांजिट कर रही है एल सेल्वाडोर में, या फिर एल सेल्वाडोर भाई फ़्लाइट आना चाहते हो, डोंकी लोगों को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, वो $1,000 या $2,000 भी दे देंगे इनको यहाँ पे आने के लिए, पर अगर आप मेरे जैसे जेन्युइन टूरिस्ट हो तो ट्राई करो आसपास की कंट्रियों में आ जाओ, और फिर लैंड बॉर्डर पार कर लो, क्योंकि लैंड बॉर्डर पे फीस नहीं है। इनको करना तो था डोंकी को कंट्रोल करने के लिए, पर इन्होंने सब पे ही लगा दिया, और इन्होंने चालाकी क्या करी, वो ये नहीं बोले कि ये लोग डोंकी मारते इसलिए लगा रहे हैं, कहते इन देशों से ना एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस ले रहे हैं $1,130 की। मैं साइड में स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ, अभियांका एयरलाइन है एक बहुत बड़ी एयरलाइन है, जिन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी लिख दिया कि $1,000 प्लस $13 टैक्स देना पड़ेगा, 13% टैक्स, तो ₹1,00,000 सिर्फ एयरपोर्ट पर लैंड होने का ले रहा है एल सेल्वाडोर इंडियंस से, और मतलब 50 और देशों से। भाई एल सेल्वाडोर में एक स्टोर में आ गए जिसका नाम है डॉलर सिटी, जैसे डॉलर ट्री दिखाया था ना मैंने आपको, वैसे डॉलर सिटी नाम है। ये 3 बोतल शायद $1 की हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं $1 की। ये सारी चीज़ें ऐसे ही लगे रहते हैं भाई अमेरिका में भी, डॉलर ट्री, डॉलर जोन, पता नहीं क्या नाम था, सर डॉलर ट्री था, तो सब कुछ $1 का तो नहीं है भाई, $2 का भी है, कहीं $1 से कम भी बेच रहे हैं किसी चीज़ को। तो भाई ये देखो बंदा आया है अभी, और इसने गाड़ी चलती छोड़ दी, शीशा भी नीचे और चाबी भी गाड़ी में छोड़ रखी है, गाड़ी ऑन है, ATM पे पैसे निकलवाने लग गया। भाई कहाँ से डेंजरस है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, सब सुधार दिया भाई नए प्रेसिडेंट ने देखना, और चलते रोड पे ATM है ना, कोई सिक्योरिटी ना कुछ, भाई एक चिप्स की पैकेट की दुकान के लिए तो भाई इन्होंने शॉटगन वाला बंदा रख रखा है, और ATM ऐसे ही चल रहे हैं यहाँ पे, अजीब देश है बिल्कुल। तो भाई यहाँ पे टैक्सी मंगाई थी वापस जाने के लिए, तो भाई बोलता आप इंडिया से हो, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा हाउ यू नो वी आर फ्रॉम इंडिया, आई नो फ्रॉम द मूवीज, फ्रॉम द मूवीज, ओके, कह रहा था आपका एक्सेंट मेरे को लगा इंडिया वाला है, कि हाँ सेल्वाडोर के लोग ना बहुत इंडियन फिल्में देखते हैं, मैंने कहा अच्छा भाई यहाँ भी खूब देख रहे, सारे गैंगस्टर देख रहे हैं हमारी फिल्में, एंड आई नो बाय द इंडिया बिकॉज़ the culture and there are a lot of YouTubers to go to the India and make videos okay. ये बंदा कहना चाहता है कि यहाँ से या फिर स्पेनिश लोग ना काफी सारे जाते हैं इंडिया और वीडियोस बनाते हैं इंडिया के बारे में, इंडिया के कल्चर वगैरह के बारे में, तो इनको इसलिए पता है इंडिया के बारे में, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं।
भाई ये था भाई, भाई ने छोड़ दिया हमको होटल से सलामत। एक बात मेरे को भाई की अच्छी लगी और आप इस चीज से सीखोगे, भाई ने अपने मुंह से पता है क्या बोला, मैं मानता हूँ कि हमारा देश गरीब है, मैं मानता हूँ 5 साल पहले हम बहुत क्राइम था, भाई मान लोगे तभी तो आप सुधार पाओगे। हमारे देशवासी पता क्या बोलते हैं, ना तो हम गरीब हैं भाई, ना हमारे देश में कोई क्राइम है भाई, ना हमारा तो देश मस्त चल रहा है। हमारे देशवासियों का ये हो रखा आजकल का स्वरूप, मतलब कोई मानता नहीं अपनी गलती यार। इस भाई ने सीधा कैमरे बोल दिया, मैं मानता हूँ कि भाई हमारा देश तो गरीब है, पर अभी हमारे देश में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। पर हमारे देश वाले क्या बोलेंगे, भाई हमारा तो देश बिल्कुल सही है, हमारा तो गरीब भी नहीं है, हम तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पर कैपिटा भी तो देख लो, पर कैपिटा नीचे से 50 भी होगी हमारी। तो भाई वही बात है, गलतियाँ जो मान रहे हैं ना वो सुधार पा रहे हैं। इसने बोला 5 साल पहले इतना डेंजरस था ना भाई, बहुत बदनाम थे हम लोग, पर हमारे नए प्रेजिडेंट आए, हमको पसंद है वो प्रेजिडेंट और उसने बदल दिया, देख लो भाई। तो वही है, चलो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आपको मिलेंगे कल अगली वीडियो में।